हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका बनारसी जायका में। आज हम बनाने वाले हैं कटहल का अचार, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में उतने ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने अचार का मसाला और होममेड रेड चिली पाउडर घर पर कैसे बनाएं ये शेयर किया है। मैंने एक साथ ही ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला बनाकर रख दिया है, जिससे कि जब कोई अचार बनाना हो तो हमें बार बार मसाला पीसना ना पड़े और हमारा काम झटपट हो जाए। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही मैंने आम के दो तरह के अचार की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब गर्मियां हैं, आम के कई सारे वैरायटी के अचार पड़ते हैं। ऐसे में अगर पहले से ही मसाला बनाकर हम रख लें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और कई तरह के अचार हम बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने जो है कि 2 kg कटहल लिए हैं। ये एकदम ताज़ा कटहल है, बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है। और इसे क्या करना है, इसके बीच वाला ये जो पार्ट है इसे हम निकाल देंगे और इसे पीसेज में काट लेंगे। बीच वाला पार्ट का यूज़ नहीं होता है, तो इसे मन चाहे आकार में छोटे बड़े आप जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं। तो ये देखिए, हमने कटहल को जो है कि काट लिया इस तरह के पीसेज में, इस तरह से देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, एक बड़े बर्तन में जो है कि पानी लेना है। कम से कम यहाँ पर मैंने 2 लीटर के बराबर पानी लिया है, या इतना समझ लीजिए कि जितना हमारा कटहल इसमें डूब जाए उतना पानी लेना है। अब इसे क्या करेंगे, इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो हमने इसे ढककर बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब देखिए पानी उबलने लगा है, तो अब हमें क्या करना है, इस पानी में कटहल को ऐड करना है। बट ध्यान रहे, हमें कटहल को उबालना नहीं है बिल्कुल भी, इसे बस हल्का सा ब्लांच करना है। कहने का मतलब है बस 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा बॉयल करके इसे हम ढक कर रख देंगे। बिल्कुल भी इसे उबालना नहीं है, नहीं तो हमारे अचार जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो गैस हमने ऑफ कर दिया और इसे ढक कर 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 1 घंटे के बाद ये हमारा कटहल कुछ इस तरह से ब्लांच हो चुका है। बस इसे क्या करना है ना, पकाना नहीं था, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट करना था। तो बस ये देखिए हल्का सा एकदम सॉफ्ट हुआ है। अब इसके पानी को हम स्ट्रेन आउट कर देंगे। तो देखिए पानी पूरा निकाल दिया हमने इसे। अब इसे क्या करना है, धूप में एक कपड़ा बिछा कर मतलब छत पर, और इसे फैला कर सूखने के लिए रख देना है। कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसे सूखने देना है, जिससे कि इसका जो पानी है हल्का सूख जाए। हम इसे बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, बस इसका पानी सूखने तक का इसे धूप दिखाना है। इससे क्या होता है ना, उबालने से हमारे कटहल के अचार सॉफ्ट बनते हैं। डायरेक्ट अगर हम इसे बना देते हैं तो कटहल का अचार जो है वो टाइट ही बनता। तो यहाँ थोड़ा हल्का धूप दिखा दिया मैंने। अब देखिए धूप दिखाने के बाद कुछ ये इस तरह के हैं, सॉफ्ट तो हैं ठीक है, नरम बने हुए हैं, लेकिन पानी इसका जो है कि एकदम सूख गया है। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना था, नहीं तो ये एकदम कड़े कड़े मतलब एकदम टाइट अचार बनते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक बर्तन में इन सारे कटहल को लेना है और इसमें एक के बाद एक हम मसाले कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है कि 5 बड़े चम्मच नमक ऐड किया है। अच्छे से इसे हम नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार ठीक है। साथ ही यहाँ पर 5 बड़े चम्मच जो है कि हमने हल्दी लिया है। ये मसाले भी हमने जैसे 5-5 बड़े चम्मच के हिसाब से लिए हैं। आगे चलकर अगर आपको ज़रा सा भी मसाला कम ज़्यादा लगता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और 250 ml के करीब यहाँ पे मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। साथ ही यहाँ पे जो मैंने पहले मसाला बनाकर रख लिया है 5 बड़े चम्मच, उस मसाले को भी मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर जो है कि लाल मिर्च पाउडर और अमचूर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कि हमने अमचूर ऐड किया, ये भी 5 बड़े चम्मच है। आप चाहे तो अमचूर की जगह पे जो है कि कच्चे आम, जो आम के अचार पड़ते हैं उसी तरह नॉर्मल कच्चे आम भी इसमें काट कर डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप हमेशा अचार में जो है कि होममेड रेड चिली पाउडर यूज़ करें, इससे अचार की लाइफ बढ़ती है। तो हमेशा ये ध्यान दें। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा तेल मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा तेल और ऐड किया। अब इन सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे क्या करना है, 3 से 4 घंटे के लिए इसे हमें धूप दिखाना होगा। एक कपड़े से ढक दें, आप ज़रूरी नहीं कि भी आप जार में ही इसे धूप दिखाएं ठीक है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर इसका सरफेस ज़्यादा रहता है, चौड़ा रहता है, तो एक बार में जितना भी पानी सूखना रहता है ये सूख जाता है। तो देखिए 3 से 4 घंटे के बाद देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी का अंश नहीं है, इससे अचार ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। तो बस अभी हमें क्या करना है, इसे जार में भर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस स्टेज पर, हाँ इस स्टेज पर ज़रूर आप चेक कर लें कि आपको क्या इसमें लग रहा है, टेस्ट करें, इसमें नमक कम है,
हल्दी कम है, मसाला कम है या तेल कम है, जो भी आपको कम लगे ठीक है इस टाइम पे ऐड कर लें। तो देखिए मुझे यहाँ पे तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा तेल और ऐड किया है ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसे एक जार में, मतलब सिरेमिक पॉट है, चीनी मिट्टी का जार है, शीशे का जार है, आप जिस जार में अचार रखते हैं स्टोर करते हैं, बस प्लास्टिक के बर्तन में मत रखिए ठीक है। तो इसे स्टोर करके अब हम रखेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो चुका है, सारे अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम तैयारी करते हैं जार में अचार डालने से पहले क्या तैयारी करते हैं, तो इसको क्या होता है जार को हम हींग का धुआं देते हैं, इससे अचार का टेस्ट तो अच्छा आता है, उसकी लाइफ भी बढ़ती है, ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस तरह से एक पेपर में या फिर आप कॉटन में या टिश्यू पेपर में आप थोड़ा हींग ले लीजिए और उसके बाद जो है कि इसमें थोड़ा आग लगाइए, इस तरह से जलाइए इसको। जब ये आग पकड़ लेगा तो इसी के सहारे जो है थोड़ा हमारा हींग भी जलना शुरू हो जाएगा। अब इसे इसी जार में रख कर ऊपर से ढक्कन लगाकर हम कवर कर देंगे। जब तक ये हींग जलना शुरू होगा इसका धुआं जो है पूरे जार में एकदम अच्छे से भर गया रहेगा, स्मोक अच्छे से लग जाएगा। इससे क्या होता है अचार हमारे ख़राब नहीं होते, हमारी दादी नानी इसी तरह से यूज़ करती थी, उन्हीं का सीखा हुआ है। तो जो बाकी बचा हुआ हींग रहेगा उसे हम इसमें डालेंगे, बाकी कागज़ जो रहता है उसे फूंक मार कर उड़ा देंगे। तो बचे हुए हींग को इस जार में हमने डाल दिया, साथ ही थोड़ा तेल जो है कि तली में थोड़ा हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो है कि सारा देखिए इस तरह से घुमा घुमा कर थोड़ा इस तरह से लेयर कर लेंगे और फिर अचार हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हमने अचार इसमें ऐड करना शुरू किया है, कितने सुंदर लग रहे, एकदम टेस्टी टेम्पटिंग से एकदम तीखे चटपटे अचार। तो हमारा अचार देखिए बनकर रेडी हो गया है। बस अब इसे क्या करना है, अच्छे से इसके ऊपर मतलब कपड़ा लपेट कर ठीक है, और इसे धागे से या रबर बैंड से बांध के 3 से 4 दिन के लिए इसे हम धूप जरूर दिखाएंगे, 3 से 4 घंटे के लिए लगातार, 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे धूप दिखाएंगे और हमारा अचार जो एकदम रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो हमारा अचार एकदम तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।